हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर खान आरके म्यूजिक एकेडमी गोमो से। मैं आप लोग के लिए आज लाया हूँ झूमर, जो झारखंड में बसता है, नागपुरिया, जिसे बहुत कोई नागपुरी बोलते हैं। इसमें सिर्फ मिलता जुलता है छत्तीसगढ़ी पैच, जो छत्तीसगढ़ में बसता है। बहुत कोई लोग पूछते हैं छत्तीसगढ़ के लोग पूछ रहे छत्तीसगढ़ी पैच भेजिए, तो सेम झारखंडी बीच और छत्तीसगढ़ी बीच में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा बजाने का अंतर है। तो आज वो आपको लेसन दिया हुआ है, मैं आपको उसके नीचे मैं नीचे दे दे रहा हूँ उसको, ठीक है, लिंक। और आज मैं उसका पैच लाया हूँ, तो फ्रेंड्स आप पैच के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा पहले बजा के दिखा देता हूँ, ठीक है, सोलो में मैं बजाता हूँ, ठीक है, ओके। देखिए बजाने का तरीका, देखिए ये कंटिन्यू रहेगा, ये है टाइमिंग, देखिए अब इसको पूरा बजाता है, इसका रोलिंग का रोलिंग में हमेशा याद रखिएगा। तो गाइस आप बनाने का तरीका बता रहा हूं, तो उसके लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए हम रेडी हो जाते हैं पैच बनाने के लिए। तो पैच बनाने का पहले तरीका आप देख लीजिए, ठीक है, मैं पैच कैसे बनाता हूं। एडिट देखिए, यहां पे एडिट है ना, ये फंक्शन वगैरह आप लोग जानते होंगे। मैं हर लेसन में बताता हूँ पैच कैसे बनाने का तरीका। बहुत कोई पूछते पैच कैसे बनाए, पैच कैसे बनाए, वो सब मैं बताता हूँ। तो पहले हम आठ घर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम यहां से शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो अब यहां से क्या करना है कि पहले कोई भी पैच बनाना है हम लोग को, कोई भी अगर हम लोग पैच बनाते हैं तो पहले एक घर डिसाइड कर लेंगे, जैसे आठों घर में एक घर हम ये डिसाइड कर लिए। तो पहले हम यहाँ पे पैच बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैच बनाने का तरीका पहले क्या है कि पहले यहाँ पे हम टच कर लिए एक बार, अब यहाँ पे पैच बनाना। अब यहाँ टच करने के बाद एडिट बटन, यहाँ पे देखिए एडिट बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। एडिट बटन प्रेस करते यहाँ पे देखिए ये लाइट वगैरह जल जाएगा, बैंक ए में देखिए बीप कर रहा है, ठीक है। तो हम बैंक ए में बनाएंगे, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंटल लिखा हुआ है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो पहले इंस्ट्रूमेंटल में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये पैच में देखिए लगा हुआ है J12, ठीक है, J12 लगा हुआ है। ये देखिए इस पैच का हम बता रहे हैं, बैक हम स्क्रीन में चलते हैं, स्क्रीन में आप देखिएगा, ठीक है, J12 लगा हुआ। अब इसको ये देखिए ये नीचे आता कैसे, यहां से इस जगह से, ठीक है, इससे नीचे आता, देखिए नीचे आ रहा नीचे, अब देखिए अब ऊपर जा रहा, तो इससे आना। अब लेवल क्या है, लेवल 15 है, देखिए है ना, लेवल 15 है। अब लेवल 15 हो गया इसका, नेक्स्ट क्या है, कोरस 4 है, नेक्स्ट क्या है इसका 20 है, डिले क्या है 20 है, नेक्स्ट क्या है आई सेंटर, सेंटर में, ठीक है, पेन जो है यहाँ पे नेक्स्ट वो सेंटर में, नेक्स्ट EX4, नेक्स्ट 10, ठीक है। अब हम आते हैं बैंक बी में, बैंक बी में जाने, देखिए बैंक ए भी बीप करा, बैंक बी के क्या है यहाँ पे देखिए, देखिए दिया हुआ है बैंक ए बी, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए बैंक बी बीप करने लगा। अब बैंक बी का हम लोग पेज बनाएंगे, हम लोग सीधा ऊपर चलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल में क्या लगा हुआ है यहाँ पे इस जगह में, छोटा एच 27, लेवल 15 है, कोरस 0 है, नेक्स्ट 31 डिले, नेक्स्ट सेंटर, नेक्स्ट EX4, नेक्स्ट 10। अब हम लोग ये बना लिए, अब हम बैंक अब सेकंड नंबर में आएंगे, ये एक का बैंक पेज बना लिए हम लोग, देख लिए, सेकंड नंबर में आते हैं, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, ठीक है, यहाँ पे यूज मैंने ये क्या किया है, पहले बैंक हम ए में आते हैं, बैंक ए में जाने के लिए बैंक ये प्रेस करेंगे, बैंक ए में चले गए। अब बैंक मैंने ए में किया यूज, कभी भी याद है जिस पेज बना रहे उसको पहले एक बार टच कर लीजिएगा। फिर हम लोग बैंक ए में लगाया मैंने I26 मांदर का है दिन, ठीक है, नेक्स्ट लेवल है 15, नेक्स्ट कोरस 2, डिले 10, सेंटर EX4 10। अब हम आते हैं बैंक बी में, बैंक बी जाने के लिए है, बैंक बी में चले गए, बैंक बी में ऑफ किया,
ऑफ है तो मतलब हमको कोई कोई जरूरत नहीं है, बैंक भी ऑफ है, लास्ट में मिलेगा ऑफ। ऑफ क्या है, लेवल नहीं है तो लेवल जीरो कर लीजिए आप, ठीक है। अब इसको हमको आगे बताने की जरूरत है, जब ऑफ ही रखे हैं तो, जब हम सिस्टम में बी में ऑफ रखे तो ऑफ है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ये तीन नंबर में, ठीक है। तीन में मैंने वन टू, यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया पैफ में, ये देखिए पहले यहाँ टच कर लिया, उसके बाद आ गए यहाँ स्क्रीन पे, देखिए ए में है, बैंक ए में मैंने लगाया L27, ठीक है L27। नेक्स्ट लेवल हो गया 15, नेक्स्ट हो गया माइनस पैच पिच को मैंने किया कोरस में -3, डीले है 31, सेंटर EX4 10, ठीक है। अब बैंक बी में जाने के लिए यहीं पे प्रेस करना है, ये प्रेस करेंगे तो बैंक बी में चले गए, बैंक बी में चले गए, बैंक बी में मैंने लगाया है मंजीरा का आवाज है, कैपिटल आई है, बड़ा वाला आई 20 है, मंजीरा है, ठीक है, म्यूट, ओके देख लीजिएगा बड़ा वाला आई 20 यहाँ पे इस जगह में बी बैंक में, ठीक है। लेवल है 15, कोरस 3, फिर 31, फिर सेंटर EX4 8, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें बैंक ए में मैंने इसमें क्या क्या लगाया हुआ है, ठीक है, लास्ट वाला यहाँ देखिए चौथा नंबर। अब हम पहले चलते हैं बैंक ए में, मैंने लगाया A15, बड़ा A15 है, क्लैप का आवाज होता है, ये मैंने 15 लगाया हुआ, फिर इसमें 15 लगाया लेवल का, कोरस 5 है, डिले 10 है, सेंटर है EX4 है 8, ठीक है। अब हम आते हैं बैंक बी में, बैंक बी में मैंने कौन सा लगाया इस जगह पे, लाइन लगाया है बड़ा आई कैपिटल आई 19 बड़ा आई 19, मंजिला ओपन, लेवल 10 है, कोरस 3 है, डिले 31 है, सेंटर है फिर EX4 फिर 8, ठीक है। अब हम आते, ये नीचे का घर हो गया 1 2 3 4, अब आते ऊपर में 5 6 7 8, तो 5 नंबर में देखिए मैंने क्या लगाया है। पहले हम चलते बैंक ए में, यहाँ पे पहले कोई भी पैच बनाने के पहले यहाँ पे टच कर लेना है, ठीक है, टच करते ही आपका स्क्रीन में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया L12, कैपिटल L12 है, कॉन्गो ओपन है, ठीक है। लेवल मैंने 15 रखा है, कोरस मैंने 6 रखा है, 31 डीले, बैंक का बता रहा हूँ मैं, सेंटर EX4 10, ठीक है। अब हम इसी में आते हैं, इसमें हमने बैंक बी में क्या लगाया, देखिए बैंक बी में यहाँ से जाते हैं, ठीक है, बैंक बी में मैंने लगाया है L27, घुंघरू का आवाज है, L27, लेवल 11 है, कोरस 01 है सिर्फ, डिले 10 है, सेंटर है EX4 8, 5 हो गया कंप्लीट। आते हैं हम लोग 6 में, पहले बैंक ए में जाते हैं 6 में। अब मैंने देखिए यहाँ पे कौन सा घर में यूज क्या किया, पहले टच कर लीजिए, यहाँ पे टॉम टॉम का आवाज आ रहा है तो मैंने T35 का यूज किया है, ठीक है, T35 का यूज किया है, लेवल 15 है, कोरस 13 है, डिले 31 है, सेंटर है EX4 12, ठीक है। अब बैंक बी में जाते हैं, इसी में बैंक बी में मैंने यूज किया है L27, यहाँ पे इस जगह में बी बैंक में मैंने L27 यूज किया है, लेवल 9, कोरस -1, फिर 10 डीले, सेंटर EX4 8। अब हम आते हैं सातवां घर में, इस घर में पहले इसमें टच कर लिया, अब बैंक ए में चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगाया है T35, इस जगह का मैं बता रहा हूँ, पहले टच कर लीजिए, ए बैंक में मैंने लगाया है T35 टॉम, फिर लेवल 15, कोरस 8, 31 डिले, सेंटर EX4 12। अब इसका मैंने बी बैंक में लगाया है, देखिए बी बैंक में मैंने लगाया है L27 9, लेवल 9 है, पिच है, कोरस मतलब -1 है, डिले 10 है, पेन सेंटर कर्व में है आपका EX4 और EFX सेंड में है 8। अब आते हैं आठवां घर में, पहले यहाँ टच कर बैंक ए में चले गए,
यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया है, C02, कैपिटल C02 है, ठीक है। जेस्ट का मैंने 2 यूज किया है। नेक्स्ट नीचे आते हैं, लेवल इसका 15 रखा मैंने, फिर कोरस इसका 0 है, डीले 10, सेंटर 3x4 8, और नेक्स्ट मैंने लेवल इसका बी में क्या लगा है, बी में यूज किया मैंने किक का यूज किया है, B47, लेवल 15, कोरस 0, 10, डीले 10 है, सेंटर EX4 9। ओके, तो पैच आप सबका पैच बन चुका है, या पैच कंप्लीट हो जाएगा। सारा पैच बन जाने के बाद अब मैंने इसका डीले का यूज किया, इसमें डीले यूज है, डीले यूज किया। अब डीले लगाने का तरीका देखिए, ये देखिए यहाँ पे 4 बटन दिया, 1 2 3 4, ये 3 वाला प्रेस करना है, ठीक है। ये एडिट बटन टिपा रहेगा, डीले वाला करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा ये, इससे प्लस माइनस से नेक्स्ट होता है, ठीक है। इसको देखिएगा, देखिए प्लस माइनस, देखिए इधर जा रहे हैं तो रिबब वगैरह लगा हुआ है, डीले 2 है, डीले 1 है, तो मैंने यहाँ पे डीले 1 का यूज किया है, ठीक है। ये तीसरे नंबर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, रिबब डीले वगैरह। तो देखिए यहाँ पे डीले आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, अगर हम डीले से हटते हैं, चॉइस प्लस डीले हो गया, यहाँ देखिए स्क्वायर वाला, यहाँ पे दोनों हो गया, ठीक है। अब डीले है तो हम डीले 1 लगाए हैं, तो डीले सिर्फ है, रिबब किए तो देखिए रिबब हो गया। सब यहाँ पर लाइट वगैरह अपना सिस्टम फंक्शन अपना सेट कर लीजिएगा। तो मैंने डीले 1 का यूज किया, डीले 1 का यूज करने के बाद फिर वापस यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। इसका यूज देखिए, यहाँ पे 2 लाइटें जल रही हैं, लेयर मतलब लेयर का अगर यूज आप कर रहे हैं, ठीक है, लेयर का अगर एक बंद करेंगे तो एक लेयर बंद हो जाएगा। जैसे अगर आप बैंक बी, इससे बैंक बी बंद हो जाएगा या ए बंद हो जाएगा, तो बैंक बी का जो पैच मैंने बनाया था वो बैंक बी का पैच बंद हो चुका है। अब अगर इससे करेंगे तो बैंक बी का चालू हो जाएगा, बैंक ए का पैच बंद हो जाएगा। इसी लेयर अगर दोनों रखेंगे तो दोनों ए बी दोनों चालू रहेगा, याद रखिएगा, ये लेयर का काम है। ये ऑन ऑफ जो देख रहे हैं, यहां से अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये डीले वगैरह इफेक्ट वगैरह आपका बंद हो जाएगा, जितना इफेक्ट जो दे रहा था सिंगल हो जाएगा, ठीक है, इफेक्ट बंद हो जाएगा, तो करने दो फिर इफेक्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा फंक्शन वगैरह है, जान जाइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कंप्लीट हो जाने के बाद पैच एडिट बटन को ऐसे टिप देना है, ये जो एडिट बटन था ये ऐसे टिप देना है, तो सेम हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम को एक बार ऑफ कर देना है, ठीक है, ऑफ कर लिए फिर ऑन करना है। जिसका अपडेट रहेगा उसको वहीं से खुलेगा, पुराना है तो थोड़ा सा 1 से 8 तक, बाकी सब पैच सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और मेरा एक चैनल है अकबर खान ब्लॉग, उसमें हमारा सारा मैं वीडियो डालता हूँ, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फ्रेंड, थैंक यू।